ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। इचाकर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी साधुचरण महतो ने चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को बीजेपी प्रत्याशी ने इचाकर विधानसभा क्षेत्र का तूफानी दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया और पदयात्रा कर मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। उनसे बात की संवाददाता कौशल सिंह ने। क्या कुछ फीडबैक मिला उन्हें, ये जानेंगे उनसे हम। साधु जी, काफी थका देने वाला इस बार का चुनाव प्रचार रहा, कोई ऐसा इस तरह का दिखा कि कोई आपस में प्रतिद्वंदिता कहीं किसी पार्टी से? देखिए, चुनाव में जो बरसाती मेंढक होते हैं वैसे कैंडिडेट के लिए चुनाव थकावट का दिन उनको महसूस होता है। हम लोग तो जनता का सेवा के लिए 12 महीना 365 दिन लगे रहते हैं और गांव में प्रतिदिन चुनौती के साथ चुनाव के रूप में ही विकास कार्यों में लगे रहते हैं। पार्टी ने इस बार डबल इंजन की सरकार, विकास 65 पार, बहुत कुछ दिया है। क्या कुछ लगता है जनता के बीच में जा रहे हैं आप, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? जनसंपर्क कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का आप आगे देख रहे हैं? देखिए, इस विषय में अब दो चरण के चुनाव में आपको पता चल ही गया, जिस तरह के गांव के लोगों ने डबल इंजन बना सरकार बनाने के लिए तत्पर है, लगे हुए हैं आम मतदाता, आज उनका पूरा विश्वास है कि हमारा फिर से पुनः सरकार बनना तय है, केवल फॉर्मेलिटी बाकी है। 5 साल जनता आपको मौका दिया, आगे अगर आपको फिर से जनता अगर जीत का ताज पहनाती है तो क्या कुछ 5 ऐसे बड़े काम क्या होंगे? देखिए, इंचागढ़ विधानसभा माकड़ जाल से घिरा हुआ, समस्याओं से घिरा हुआ विधानसभा, आने वाला समय में निश्चित रूप में इस क्षेत्र का एक विकास, हम तो कहेंगे कि इंचागढ़ विधानसभा 81 विधानसभा से सबसे विकसित विधानसभा आने वाला समय में बनेगा। तो ये थे साधुचरण महतो जी, काफी आत्मविश्वास से लवरेज दिख रहे थे। एक बार फिर से 2014 चुनाव में जिस तरह से जनता उनके सिर पर जीत का सेहरा सजाया था, इस बार भी उन्हें जीत जीत मिलेगी और जनता उस पर, जनता के भरोसे पर वो खरा उतरने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। सहयोगी अनवर के साथ कौशल सिंह, न्यूज 11 इचागढ़। आज